Hello everybody, in this video we will be starting the last part of unit 32, that is fraud and vigilance in banks. Ab previous parts mein humne fraud and forgery ka jo difference hai wo check kara tha. After that we have learned some important terms which were like APTs kya hota hai, then MITM kya hota hai, along with that aapka DDoS kya rehta hai. अब ये टर्म्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं बिकॉज वन मार्कर क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें से प्रीवियस साइकिल में पूछे गए हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर में आपके पास जो केस स्टडीज़ हैं इन पे बेस्ड वो पूछी जाएं कि कोई केस स्टडी दे देंगे कि जिसके अंदर आपके पास ये टर्म्स यूज़ होंगी एंड दे विल आस्क कि जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या रहना चाहिए. हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर मेलिशियस पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू हैक योर सिस्टम एंड सो ऑन. फाइन, तो आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे विच आर लाइक योर यू कैन से फिशिंग क्या होता है, देन व्हाट इज हैकर, फाइन, वाइट हैकिंग क्या होती है, ब्लैक हैट हैकिंग क्या होती है, प्लस हम ये भी देखेंगे कि मैलवेयर क्या रहता है, रैंसमवेयर क्या होता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. वेरियस टर्म्स आर देयर जो कि आज हम कंप्लीट करेंगे एंड वी विल कंक्लूड द चैप्टर नंबर 32. First of all, let me remind you that we have launched our CAP 2024 master course wherein we will be providing you with all the four compulsory subjects like ABM, BFM, ABFM and BRBL. Ab iske andar aapko kya kya deliverables rehne wale hain. You will get 20 plus live classes, that is we will be commencing these classes from November and aapko 400 plus concept classes milenge jo ki abhi course mein recorded format mein hain. हर एक यूनिट के बाद आपको चैप्टर वाइज टेस्ट्स मिलेंगे जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड यू कैन हैव अ लुक कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है. 20 मॉक टेस्ट आर देयर जो कि फुल लेंथ मॉक्स होंगे जैसा कि आपका एग्ज़ाम में आता है. एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे वी हैव ट्राइड कि आपके पास जो फुल लेंथ मॉक्स हैं वो प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हों. राइट नाउ वी आर giving various discounts on our website for this course, so you can do check our website and do enroll if you find the course useful. So aaj ka topic start karte hain. Jaisa ki maine bataya ki kuch terms hain jo aapke liye bahut important hai, unme se ek term hai hacking. Hacking kya hoti hai, hum bahut baar sunte hain ki system hack ho gaya hai, hackers are trying to do this, they are trying to do that. Ab ek basic idea to sabko hai because everybody is working in banks, to hacking kya hai ye isme koi nayi baat nahi hai ki kya hoti hai, but hame verbatim definition pata honi chahiye kyunki exam mein humse definition pe based hi question aata hai. Fine, तो एन एक्ट ऑफ टेकिंग कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क एंड डैमेज प्रीशियस रिसोर्सेज इज नोन एज योर हैकिंग. फाइन, ऐसा नहीं है कि आपका जो कंट्रोल है सिस्टम का वो किसी ने ले लिया बट उसमें कुछ डैमेज नहीं किया तो यू कैन नॉट से कि हैकिंग हुई है. फाइन, वो जो है आपसे एक्सेसिबिलिटी ली गई है टेम्परेरीली. फाइन, कुछ भी उसमें जो भी है मॉडिफाई नहीं किया गया, कोई मेलिशियस एक्टिविटी जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो यू कैन नॉट से कि वो हैकिंग है. हैकिंग कब मानी जाएगी, जब आपसे आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसका कंट्रोल लिया जाए प्लस सर्टन प्रेशियस सॉफ्टवेयर और प्रेशियस डेटा हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय द हैकर. अब देखो थ्री टाइप्स ऑफ हैकर्स आर देयर बेसिकली, जिसमें कि वाइट हैट हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं और ग्रे हैट हैकर्स होते हैं. ग्रे हैट हैकर्स कौन से होते हैं, विच लाई बिटवीन वाइट एंड ब्लैक. फाइन, अब वाइट और ब्लैक कौन से होते हैं, ब्लैक तो जो कि मेलिशियस एक्टिविटीज़ करते हैं और वाइट जो इन मेलिशियस एक्टिविटीज़ को होने से रोकते हैं. फाइन, दे विल ट्राई कि आपकी जो मेलिशियस एक्टिविटीज़ हैं वो हो ही ना, और अगर हो भी जाती हैं तो इन फ्यूचर जो है उनको कैसे प्रिवेंट करना है, ऑल दीज थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ बाय योर वाइट हैट हैकर्स. तो वाइट हैट हैकर्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. वाइट हैट हैकर्स दे ब्रेक इन टू द सिस्टम द कंप्यूटर नेटवर्क्स विद द इंटेंशन ऑफ आइडेंटिफाइंग द वीकनेस ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम और अ नेटवर्क एंड पैचिंग द वीकनेस. फाइन, दे विल आइडेंटिफाई कि कहाँ पे वीकनेस है, जहाँ पे प्रे कर रहे हैं आपके ब्लैक हैट हैकर्स, एंड दे विल ऑल्सो ट्राई कि आप ये जो वीकनेस है इसको पैच कर दो. पैच जो है कंप्यूटर सिस्टम के टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर हम बोलते हैं एक तरह से आप प्रिवेंशन या फिर प्रोटेक्शन जो है इस पर्टिकुलर सिस्टम को दो. फाइन, तो पैचिंग विल बी ऑल्सो डन बाय योर वाइट हैट हैकर्स. नेक्स्ट है मैलवेयर. अगेन
बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं ये टर्म मैलवेयर, कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से वायरस आ गया, हम बहुत बार बोलते हैं. तो वायरस आ गया जो है, दैट इज़ लाइक अ वेरी कॉमन टर्म, बट एक्चुअल में क्या होता है, इट इज़ अ मेलिशियस सॉफ्टवेयर दैट इम्पैक्ट्स द सिस्टम और द नेटवर्क. फाइन, आपका जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है बेसिकली, उसको इम्पैक्ट कर रहा है एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर विच इज़ अनडिज़ायर्ड. फाइन, मेलिशियस सॉफ्टवेयर है वो. और हमारे लिए तो देखो, जैसे कंप्यूटर सिस्टम में होता है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आ गया तो हम कह देते हैं वायरस है. बट जो मेजर इम्पैक्ट है इन योर बैंकिंग सिस्टम, यू विल सी कि अगर पूरे के पूरे नेटवर्क को एक मैलवेयर ने इम्पैक्ट किया है, देन वी विल से इट्स अ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन. फाइन, नेक्स्ट है मैलवेयर का ही आप एक्सटेंशन मान सकते हैं इसे, दैट इज़ रैनसमवेयर. यहाँ पे क्या होता है कि जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है उसको साइबर क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं आपसे मनी एक्सट्रैक्ट करने के लिए. फाइन, तो क्या करेंगे वो कि एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली उससे आपका, आप ऐसे याद रखना कि लॉक कर दिया सिस्टम. फाइन, यू आर अनेबल टू एक्सेस इट. अब इस लॉक की जो की है वो किसके पास है? हैकर्स के पास. अब इस की को देने के लिए व्हाट दे विल डिमांड? दे विल डिमांड योर मनी. फाइन, दिस इज रैनसमवेयर. क्रिप्टो रैनसमवेयर क्या होता है? यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होती है हमें. क्रिप्टो, हम ये सोचते हैं कि रैनसमवेयर का ही आगे एक एक्सटेंशन है, तो क्रिप्टो होगा कि क्रिप्टो करेंसी मांग रहे हैं वो. नहीं, ऐसा नहीं होता है. क्रिप्टो मींस आपका जो डेटा है या फिर आपकी जो फाइल है या फिर पूरा जो नेटवर्क है उसको एनक्रिप्ट कर देते हैं साइबर थीफ. फाइन, तो जो भी साइबर क्रिमिनल्स हैं या फिर जो आपको मैलिशियस पर्सन हैं जो आपका डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, वो एक्सेस तो करते हैं प्लस उसको एनक्रिप्ट भी कर देते हैं. फाइन, एनक्रिप्ट करने के बाद क्या होगा कि आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, प्लस अगर आपके जो वाइट हैट हैकर्स हैं वो भी आइडेंटिफाई तो कर लेंगे उसे, बट उसको नॉर्मेलिसी जो है उसमें मेंटेन नहीं कर पाएंगे. तो एनक्रिप्शन की अगर हम बात करेंगे इन केस ऑफ मैलवेयर, देन वी विल से कि कौन सी टर्म आनी चाहिए? क्रिप्टो रैनसमवेयर. अब देखते हैं हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स. सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे फिशिंग. इसी की आगे फर्दर एक्सटेंशन है स्मिशिंग, विशिंग एंड फार्मिंग. फाइन, तो आपने ज़्यादा सोचना नहीं है. फिशिंग अगर आपको समझ में आ गया, देन तो दीज आर बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ फिशिंग ओनली. इट इज़ द फिशिंग प्रोसेस, और यू कैन से द प्रोसेस ऑफ फिशिंग यूजेस फ्रॉडलेंट ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, फोन कॉल्स, वेबसाइट्स टू ट्रिक पीपल इनटू शेयरिंग सेंसिटिव डेटा और डाउनलोडिंग द मैलवेयर. फाइन, मैलिशियस सॉफ्टवेयर. ओके, जो ये MAL है, दिस इज फॉर मेलिशियस, एंड WARE फ्रॉम द सॉफ्टवेयर का वेयर. फाइन, ये याद रखना है आपने. अगर आपको मेलिशियस सॉफ्टवेयर याद रहा, इट मीन्स आपने डेफिनेशन जो है समझ ली है मैलवेयर की. तो इसमें होता क्या है फिशिंग में? फिशिंग के अंदर बेसिकली आपका जो, जैसे आजकल आप देखते हैं आपको कोई SMS आता है, कोई फ़ोन कॉल आती है, या फिर आपके पास मेल आता है कि आपने ये जो लॉटरी है इतना जीत लिया है, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टूवर्ड्स द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आर्स. या फिर आप देखते हैं कि WhatsApp पे भी काफ़ी कुछ मैसेजेस ऐसे जो हैं वो सर्कुलेट होते हैं जिसके अंदर आपको लिंक पे क्लिक करना है. तो ऑल दीज थिंग्स जिसके अंदर आपके पास दिखाने के लिए तो वो ऐसा पोर्ट्रे करेंगे जो कि हैकर्स हैं या फिर साइबर क्रिमिनल्स हैं, दे विल ट्राई टू पोर्ट्रे कि आपका जो भी डेटा वो कलेक्ट कर रहे हैं, इट इज़ फॉर अ गुड कॉज, इट इज़ फॉर योर बेनिफिट ओनली, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. फाइन, दिस टाइप ऑफ एक्ट इन योर साइबर सिक्योरिटी इज़ नोन एज फिशिंग. सो जो भी ईमेल है, टेक्स्ट मैसेज है, फ़ोन कॉल है या वेबसाइट है, उससे वो करते क्या है, लिंक पे आप क्लिक करेंगे, देन दे विल आस्क सर्टन सेंसिटिव डेटा लाइक योर ID प्रूफ विल बी देयर और योर फोन नंबर और मेनी अदर थिंग्स लाइक अकाउंट नंबर ऑल्सो समटाइम्स, एंड देन दे विल डाउनलोड ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर डेटा यू हैव शेयर, दे विल डाउनलोड ऑल द डेटाज विच आर यूजफुल फॉर देम टू एक्सट्रैक्ट मनी आउट ऑफ योर अकाउंट्स. फाइन, तो दिस टाइप ऑफ एक्ट इज़ नोन एज फिशिंग. अब स्मिशिंग जो होती है, अगर ऐसी एक्ट SMS के थ्रू करते हैं, वो SMS सेंड करा आपको और वहाँ से उन्होंने एक्सट्रैक्ट करा इन्फॉर्मेशन या मनी, देन यू विल से कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ स्मिशिंग. और अगर वो वॉइस कॉल करते हैं आपको या फिर वॉइस मेल के थ्रू करते हैं इसे, तो आप बोलेंगे ये जो है दिस इज़ एन एक्ट ऑफ विशिंग. फाइन, है ये सारे फिशिंग के ही, बट स्पेसिफिकली अगर वॉइस कॉल हुई है तो विशिंग, SMS हुआ तो स्मिशिंग. फार्मिंग के अंदर क्या होता है? वेबसाइट्स, ये आपने याद रखना है. फार्मिंग थोड़ा सा हम भूल जाते हैं कई बार, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट यू नो कॉमन
and we do not use the term farming so often in case of whenever we read these terms related to cyber security, but farming is very very important. Is pe question expect kar sakte hain aap, because abhi recently hi kafi sari aise activities hui hain global network mein jahan pe aapka jo websites hain usko spoof kiya gaya. So farming ke andar kya hota hai, it's a type of phishing attack only that uses malicious code to manipulate the DNS, domain name system. अब आपके सिलेबस के लिए DNS is not that important. आपको बस ये याद रखना है कि DNS क्या है. एक basically आप बोल सकते हैं it is a setup in a network only. एक computer network के अंदर ही एक setup होता है जहाँ से जितनी भी websites हैं वो redirect होती हैं और वहाँ पे ही आपका जो data है उसी DNS के थ्रू, domain name system के थ्रू server में जाता है. Fine. And जो DNS है वो क्या करेगा, it is used by in farming, it is used to send the user spoofed websites. Fine. अब normal जो website है, authenticated जो websites हैं, उसका क्या रहता है कि जो server है उसमें directly जाते हैं, आपने click करी website पे, server जो है आपको redirect कर देगा. यहाँ पे क्या होएगा, जो DNS है उसके through एक एक्स्ट्रा या फिर आप बोल सकते हैं एक पैरेलल सर्वर जो है क्रिएट किया जाएगा एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स अ वेबसाइट विच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर. जब आप उसे देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि हाँ ये सेम ही लग रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे कि हमें देख के पता लग जाएगा कि हाँ ये कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है सीक्रेसी मेंटेन की जा रही है या फिर कोई मलिशियस एक्टिविटी हो सकती है. फाइन. तो फिशिंग के अंदर जितने भी आपके पास ये हैं सेंसिटिव डेटा जो एक्सट्रैक्ट करते हैं हैकर्स, और स्मिशिंग के अंदर जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया है वो SMS के थ्रू होता है, विशिंग के अंदर वॉइस के थ्रू होता है, फार्मिंग के अंदर आपका वेबसाइट्स के थ्रू. फाइन. अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से. विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मेलिशियस एक्टिविटीज इन योर बैंकिंग सिस्टम. फर्स्ट सेज द साइबर थीफ एनक्रिप्ट सम वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर और फाइल इन अ फिशिंग अटैक. तो फिशिंग के अंदर ऐसा कुछ एनक्रिप्शन की तो बात होती नहीं है. एनक्रिप्शन कहाँ पर होती है आपकी, क्रिप्टो रैनसमवेयर. तो this is wrong. Farming is a type of phishing attack that uses malicious code to manipulate the DNS to send users to spoofed website. This is correct. White hat hackers break into computer networks with the intention of identifying the weakness of a computer system. This is again correct. Weakness ke liye wo enter karte hain aapke computer system mein white hat hackers. So statement 2 and 3 are correct. Option B is the right answer. Thank you everybody. This was it for this lecture. If you like the content which we provide on our YouTube channel, you can consider subscribing it. The channel's name is EduTabJIBCIAB. If you have any other feedback, you can drop a mail to us at hello@edutab.co.in and telephonically, this is the number. Ab hamara jo unit 32 hai, ye khatam ho chuka hai. In the next video of this foundation series, we will be starting our module A. Okay? So my advice would be, revise whatever is being taught in all these videos for module D and try to solve the MCQs based on these topics.